हाय फ्रेंड, मैं हूँ चंबल। आइए दर्शकों, मेरा पानी अमृत के समान है। मानो तो मैं जन्नत, नहीं मानो तो मैं कोरा पानी। मेरे कई रूप हैं, मैं कभी चर्मनित हूँ तो कभी चर्मरवती। मेरा यह स्वरूप देखकर आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी। मेरे दर्शकों, मैं राजस्थान का गौरव हूँ। मैं प्रकृति की गोद में सोती हुई परी हूँ। क्या आप मेरे इस खूबसूरती को देखना चाहोगे? मैं कभी सर्प की तरह लहराती हुई चलती हूँ। मैं जाने कितने अनगिनत वन्य जीवों की माँ हूँ। मेरे आंचल में जाने कितने वन्य व जले जीव पलते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, मैं चंबल की कराइयों और भीड़ में पली फूली हूँ। मेरे वक्ष स्थल में घड़ियाल, मगरमच्छ, जले लियाए घोड़े तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ विचरण करते हैं। दोस्तों, मैं जाना पावा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकली हूँ। वहाँ से निकलते हुए राजस्थान के चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती हूँ। मैं बारहमासी बहने वाली नदी हूँ तथा मेरी सहायक नदियाँ काली, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी, सिप्रा आदि हैं। मेरी कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। मेरे पर बने बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा डैम बैराज आदि हैं। कुछ जगह पर मुझे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य शामिल है। मेरे अभ्यारण्य में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसे गंगी सूस कहते हैं। मेरे ऊपर बने चार बांध गांधी सागर, मंदसौर जिले के मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर रावतबाटा जिले चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोटा बैराज जिला कोटा राजस्थान, जवाहर सागर जिला कोटा और बूंदी की सीमा राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा चूलिया जलप्रपात भी बनाती हूँ मैं, जो कि भैंसरोडगढ़ के पास में है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। चंबल का पठार कर्क रेखा के निकट होने के कारण जलवायु गर्म होती है। मैं दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हूँ। बाढ़ के समय मैं अपने धरातल से 130 मीटर ऊंचाई तक बहने लगती हूँ। मैं राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की मुरादगंज स्थान में यमुना में मिल जाती हूँ।